सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं। वाकई उन्होंने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला था। इस देश ने आजादी के 70 साल के बाद बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अपराधियों को जेल जाते देखा होगा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन 70 साल में ये नहीं देखा होगा कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और वो मसाज ले रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जब इस देश की राजनीति में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी अपराधी को, अगर कोई उनके किसी विधायक के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर अगर कोई FIR होती है तो उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, उनके एक मंत्री 2.5-3 महीने से जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर से मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके मसाज दी जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे क्या उनके जो राज है सत्येंद्र जैन के पास है जो उनको वो मसाज देने में मजबूर है। ऐसे कौन से घोटाले, ऐसे कौन से जो डील हुई थी जो उनके पास है जो उनको मसाज देने में मजबूर है। तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को सीधा रिपोर्टिंग करती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना।